हेलो 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 फ्रेंड्स, केम छो? जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा मजे होंगे। दोस्तों आज है ना एकदम बादल बादल वाला मौसम है अभी भी, और बारिश भी आ रही है, तो ठंड लग रही थी थोड़ी, तो मैंने ये दुपट्टा ऐसे ओढ़ के रखा है। और ये देखिए, ये मैंने सुबह में ही बना लिया है अजवाइन का पानी। ये मैंने 2 ग्लास बड़े पानी लिया और उसमें 2 छोटी चम्मच अजवाइन डाला है और इसे उबाल लिया है। इससे क्या होता है ना कि हमारा भी पेट साफ रहता है और बच्चे को भी गैस नहीं होता है। और सबसे अच्छा पॉइंट ये है, मुझे इससे ये मस्त फायदा हुआ है कि बेबी का दूध है ना उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब कि पहले दूध मुझे लग रहा था जैसे कम हो रहा है, लेकिन ये मम्मी पहले मुझे बनाकर देते थे लेकिन बाद में मैंने बंद कर दिया था, अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो अच्छा खासा इसका फायदा मिल रहा है मुझे। तो अभी मैं इसे छान के बोतल में भर लूंगी और फिर मैं इसे पूरा दिन यूज करूंगी और फिर शाम को फिर से भी बना लूंगी। ये बस मैंने 2 ग्लास बनाया है क्योंकि पूरा दिन तो ये अजवाइन वाला पीना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा है इसका टेस्ट, लेकिन फिर सिंपल पानी भी पीने का मन करता है ना। ए बुरा बुरा हम जो तो बुरा बुरा नाम से है मंत्र काका कहता था मैंने फोन भूली गई हूँ। ये देखो वैसे भी ये मेरे मामी है, कैसे देख रही है मामी को घूर घूर के देख रही है। नानी माँ को पहली बार देखा है ना वैसे भी। ये मेरे मामी है, ये भाभी है, ये भतीजा और ये केतन भाई। मंत्र को देखना है देखो। मंत्र तारा खोड़ा में बेसाड़ी दे बबून। ये मामा है मेरे रसिक मामा और केतन भाई बेबी से मिलने आज आए हैं, वैश्वी से मिलने आए हैं। ये देखिए मेरे पास तो अभी बैग नहीं है, सारी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला था तो वो लेकर आई हैं ये सारी बैग। तो मामी और भाभी को कुछ पसंद आएगा तो वो लेकर जाएंगे। भले आओ जो। आज तो सुबह सुबह ही गेस्ट आ गए थे और भाभी और मामी दोनों को बैग देखनी थी, सुमित्रा ने मंगवाई थी, मामा की बेटी थी उसने, तो उन्होंने ये सारी बैग देखी। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी बैग मैंने मेरी मम्मी से मंगवाई है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो अभी उन्होंने ये सारी बैग देखी, लेकिन उन्हें स्लिंग बैग चाहिए थी तो वो नहीं है अभी फिलहाल, इसमें नहीं थी। फिर 1-2 बैग वो लेकर गए लेकिन जैसी चाहिए थी वैसी उन्हें नहीं मिली, तो अभी इतनी सारी बैग है। लेकिन अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है तो अच्छी अच्छी बैग मैं फिर से बनाना शुरू करूंगी। और अभी है ना मैंने नेचुरल लाइफ में है ना होम टिप्स शेयर करना स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा काम बंद था तो काफ़ी चैनल का जो रेट है वो सब नीचे चला गया है, पूरा डाउन चला गया है, तो अभी स्टिचिंग के व्यूअर्स नहीं हो रहे थे इतने ज़्यादा, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है, ऐसे हम नहीं बैठ सकते। सो मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि मैं हिंदी में करूं या फिर गुजराती में। मैंने गुजराती में ट्राई करी है लेकिन कुछ कमेंट आ रही थी कि आप हिंदी में करें, हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या करूं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में करना चाहिए। और आप नेचुरल लाइफ में देखना वीडियो कैसे बन रहे हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि मेरी चैनल एकदम डाउन चली गई है तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ अभी। तो अभी थोड़ी सी थकान भी हो रही है क्योंकि ज़्यादा काम करने जाती हूँ ना तो फिर थक भी जाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र है ना, ये इसमें मेरा पूरा स्टिचिंग का सामान है, तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना, तो अभी मैं इसे थोड़ा ठीक करने वाली।
ये देखिए अंदर है, फिर भी थोड़ी धूल भी जम गई है। यहाँ पर इलास्टिक है, खुल भी नहीं रहा है। इलास्टिक है लेकिन लेस ये वो सब कुछ कितना मिक्स मिक्स कर दिया है। यहाँ पर है लेस और यहाँ पर है थ्रेड, लेकिन देखिए क्या हाल बना दिया है मैंने इसका। और यहाँ पर जिप ये वो सब देखिए सब गंदा हो गया है, तो मैं अभी ये वाला जो है इन सबको ठीक कर रही हूँ। और ऐसे ही है ना, मेरे पास और भी बहुत सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत से लोग फिर पूछते भी है कि ये मैंने कहाँ से लिए थे, तो ये मैंने है ना डीमार्ट से लिए थे, और जब मैंने लिए ना तब मुझे 850 में पड़े थे। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ये है ना बहुत ही अच्छे और काम के हैं। ये देखिए यहाँ किचन में मेरा है ना फर्नीचर नहीं बना हुआ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये दो रख दिए हैं। ये हम लोग उस घर में रह रहे थे ना तभी ले लिए थे, तो ये देखिए मानवीर ने इसके ऊपर पैर रख कर चल रहा था, ऊपर किचन में ही रखा था वहाँ पर भी, तो इसने तोड़ दिया एक को। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा सामान इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से रख पाते हैं। इसके अंदर पूरे ग्लास है, और यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से सब कुछ रखा है, क्योंकि फर्नीचर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्या करें कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा बाकी। और अभी है ना मेरे किचन की आप हालत देख सकते हैं क्या हो गया है, एकदम सब इधर का उधर हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं सही करूँगी। पर जैसे भी कर रहे थे बहुत अच्छे से मैनेज किया मम्मी ने। अभी यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है, ये मम्मी यूज़ करते हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी फर्नीचर नहीं है तो सब सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। मेरे रूम में तो मैंने पर्दे लगवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा आना नहीं होता है और गेस्ट भी ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैंने नहीं किया है। सो अगर आप इसे लेना चाहते हैं ना तो ऑनलाइन भी अमेजोन पर, मीशो पर, सब जगह पर ये मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैश्वी तारू नाम पर वैश्वी छे, बबू नु नाम है वैश्वी राख्यू, खबर है तने? है खबर? खबर है ने? तारू नाम शू है? मिश्री। तमने शू बेग जोईती थी? तमने गमे छे बेग? जो कई जोई से जो अहियां ज पड़ी है बधी, तमने जे गमती होय ने ई लई लो। मिश्री तू पण लई ले। केवी? गोल। तो जोती जा मां बदा मांथी तने गमे नी ले ले। स्कर्ट ले जा मिश्री ता पेर जे। मार बाप ने। हम रख तो अइया तने थई जासे। अइया 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 रख। उंदी थई गई अइया पकड़। जो थई जासे तारा माप नी है। आ रियो छोटू आमा तमारे रखवा से ने पेंसिल ने अथवा तो तमारी लिपस्टिक चांदला ने शू राखू छे ई रही जासे ना। हपसे? मिश्री शू राखी से ना मां? पेंसिल। ने तू? पेंसिल ने बाय। ये पड़ोस की बच्चियां थी और मम्मी का ब्लाउज यहाँ पर, मेरे ब्लाउज स्टिच करवाए ना वहीं पर करवाया था, लेकिन इसमें बटन लगाना ही रह गया था, तो मम्मी ने यहाँ बटन लगवाने दिया था तभी वापस करने आई थी। ये वापस आ गई, अब इसे चेंज करना है। सुरख सो अभियान माँ पैसा गरबा फरावा जासो त्यारे पैसा राखसो ने नवरात्रि मां, अने चॉकलेट अमारा घरे आवजो हो गरबा फरावा, हूँ तमने चॉकलेट दईस। भले भले। अभी मम्मी पूछ रही है कि अगर लिंक दिया हुआ है बोलते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तो वो कैसे खोलना है, तो एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर है गुणवंती बेन, वो हमेशा कमेंट करते हैं, तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे ओपन करना है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिये जैसे कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सही से समझाती हूँ। जैसे कि ये मेरा चैनल है और इसमें आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये देखिए इस वीडियो में मैंने कहा है कि मैं सोनू का जो पहले का वीडियो है उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको देखिए यहाँ पर देखना है और यहाँ पर एक एरो किया हुआ है, या तो आप यहाँ कहीं पर भी ऊपर भी टच कर सकते हैं, नहीं तो ये एरो के ऊपर यहाँ पर आपको टच करना है। तो ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पर इतना ही दिख रहा है अगर आपको, तो आपको ये मोर के ऊपर टच करना है।
तो ये देखिए, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है और ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सोनू का जो पुराना वीडियो है उसका ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक के ऊपर टच करेंगे ना तो आपको ये मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है। यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है बस आपको वही देखना है, आपको इस एरो के ऊपर टच करना है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और ये मोर के ऊपर टच करना है। और अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको रेड दिखाई देगा तो इन्हें आपको टच करना है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ब्लैक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर टच करना है तो ये जो ब्लैक वाली घंटी दिखाई दे रही है ना ऑल लिखा हुआ, उसके ऊपर टच करना है तो आपको मेरे जब भी कोई भी वीडियो आएंगे उसकी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये जो बेल आइकन का निशान है उसे जरूर टच करना, सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेगी। और अगर आप मेरा कोई भी वीडियो अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदार से शेयर करना चाहते हैं तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शेयर के निशान पर टच करना है। ये देखिए जो एरो किया हुआ है ना उसके ऊपर टच करना है तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां पर भी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सिटी में भी कर सकते हैं शेयर। और फिर आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टच करना है, तो ये सारे आपको अपने मिल जाएंगे। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मतलब जो भी आपके ग्रुप है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट है, वो सब आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ मेरे रिलेटिव को, तो यहाँ पर आपको एरो दिखेगा, वहाँ टच करना है। उसके बाद ये देखिए ये लिंक आ गई, यहाँ पर हम टच करेंगे तो ये हमारा वीडियो शेयर हो चुका है। सो गाइस अभी मम्मी को मैंने समझाया है, कितना आया पता नहीं, तो मम्मी को बोल रही हूँ अभी जो वीडियो में मैंने आपके साथ सबको समझाया है वो बार बार देख लेना तो पता चल जाएगा। और अभी देखो मैं एक फ्रॉक का फोटो दिखा रही हूँ आपको, कैसा दिख रहा है, सही से दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए ये नेहा ने बनाया है वैश्वी के लिए, पूरा चिकनकारी का फ्रॉक है, पर अब कब पहुंचेगा पता नहीं। मुझे ना अभी शॉपिंग करनी है वैश्वी के लिए क्योंकि उसे 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है 18 को, तो कुछ अच्छे से कपड़े हो नहीं है, मतलब है लेकिन वो सब टी शर्ट वगैरह ऐसे ही हैं, तो सोचा कुछ फ्रॉक के ऐसा कुछ अच्छा सा होता तो फोटोशूट करते। तो अभी तो मैं नहीं जा सकती कहीं पर भी क्योंकि इतनी मांडवी जाएंगे यहाँ पर तो ऐसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। फिर भी चेतन को बुलाए, मैंने देखने जाने वाली हूँ गाँव में, अगर कुछ मिलता है तो लेकर आएंगे फोटोशूट के लिए। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसमें सभी रनर हैं और यहाँ पर ये शर्ट के जो बटन होते हैं ना पुराने शर्ट के, वो सब बटन निकाल के मैंने रखे हुए हैं। ये स्टोन वगैरह हैं, इसमें मोती हैं, ये अलग अलग मोती, ऐसे सारी छोटी छोटी चीजों को ये देखिए, इतना जोर से आवाज आया सब लोग दौड़ के आ गए। वैसे उठेगी सो पढ़ी तू मम्मी अभी देखो रमीला मासी रोटली केम बनावे छे। रमीला मासी मारी जेम बहुत थाकी जाए छे तो ऊपर बेसी जाऊ पड़े छे। मम्मी सच में चलते चलते कभी भी गिर सकते हैं तो फिर सबको डर लगता है। ये देखिए ये है ना सब कुछ एकदम मिक्स हो गया है तो इसे ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए पहले तो मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा था, ये जो रबर बैंड होते हैं ना पुराने उसे मैंने यहाँ पर लगाया और ये है ना जो पुराने सॉक्स होते हैं ना उसके ऊपर के इलास्टिक को कट करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिक्स किया है। अभी चेतन आ गए हैं, हाइनेस का आवाज आ रहा है और सोनू भी चिल्ला रहा है, सोना सो जो सोना।
कभी इन सभी को अच्छे से फोल्ड करके ना मैं इस तरीके से रख दूंगी, या तो फिर रबर बैंड लगा दूंगी, या फिर ये सॉक्स की जो ऊपर के इलास्टिक होती है वो, ये देखिए ये मैंने इलास्टिक का रीयूज किया है, तो बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज होकर रह जाएगी। जिसके ऊपर लगा के रखा है वो देखिए अच्छे से पड़ी है, बाकी सब मिक्स हो गया है। क्रीम क्या था पेशेंट को? पेशेंट को डेंगू। डेंगू 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 तब यहाँ थी हम पाछा गया था ना क्या खमड़ा? हाँ काका ने टेबलेट आपको मिले। मैंने आपको बोला ना चेतन आए तभी वो नहीं आए थे, वो यहाँ से बाइक निकले मुझे पता चल गया कि ये जा रहे। सो गाइस अभी वैसु आ गई है रो के, रो रो कर फिर खाना खा लिया है, और भी ज्यादा रो रही थी, ये मेरे पास नहीं हो रही है चुप, तो अभी पापा के पास गई है। तो पापा के डायलॉग देखो, उनके पास जाएगी तो सीधा यही डायलॉग होगा। एक बार फिर से बता दीजिए क्या डायलॉग है आपका? ओहो हम आ गए। बस इतना कहेंगे तो तब तक तो चुप होकर हाँ हाँ ऐसे देखती है पापा को, और सो इसे देखो सो गई, और इसे देखो सोन जी को देखो, इसे पता नहीं क्या है बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, माओ माओ सोना चल एक बार फरी थी बोले बताओ तो। सो जो ये रुता ने, और मैं ये सब साफ कर रही थी, तो अभी ये देखिए मस्त से मैंने इतना सा किया था, थोड़ा सा बाकी रहा था, और ये वाला बाकी है अभी मेरा, पर अभी कितना होगा पता नहीं है, इतना तो कर ही लूंगी। चलो सोनू ने अपनी आवाज सुना दी है आपको, सोना इसे क्या परेशानी है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब से यह चालू है इसका, चलो चलो हम आ गए, हम आ गए आ गए आ गए आ गए। अभी मम्मी देख रहे हैं व्लॉग, पापा वैसु को झुला रहे हैं, चेतन एडिटिंग कर रहे हैं, और मानवीर ने होमवर्क कर लिया है, अब मोबाइल देखने वाला है। और मानवीर को घूमने जाना है, कहाँ जाना है मानवीर? बीच पे जाना है। अभी ये है खाना खाने के बाद का नज़ारा। सो गाइस अभी ऐसी ही चल रही है हमारी लाइफ, और हमने खाना खा लिया है और किचन की क्लीनिंग भी हो गई है, और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने क्लीन कर दिया था खाना खाने गए उससे ही पहले, बाद में गई थी, अभी वैसु जागी थी तो उसका सब कुछ किया, अभी यहाँ पर ये मस्त से सेट हो गया, ये वाला अच्छा हो गया। देखो पहले तो कुछ जगह ही नहीं थी ऐसा लग रहा था, और अभी देखिए कितना मस्त से सब हो गया, और स्पेस भी कितनी दिख रही है। सो गाइस आज मैंने व्लॉग तो शूट किया लेकिन टॉप का वीडियो नहीं बन पाया है, तो कल मॉर्निंग में फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और इस वीडियो का अब मैं यही करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहना, अपना ख्याल रखना, जय भारत।